श्री तिदंडी, श्री मन्नारायण रामानुज, श्री चिन्ना जेर स्वामी को कल शाम पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। देश विदेश में समानता का संदेश देने वाले श्री चिन्ना जेर स्वामी को यह सम्मान समाज सेवा में उनके अनवरत योगदान के लिए दिया गया। रामा अनुजाचार्य की परंपरा के सिद्ध गुरु श्री जेर स्वामी वैष्णव धर्म और वेद वेदांत के माध्यम से न सिर्फ मानवता के धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि जाति, लिंग और भाषा के भेद किए बिना वो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं। उनके मठ और मठ की ओर से संचालित संस्थाओं में किसी से नहीं पूछा जाता कि उनकी जाति क्या है। और पुरस्कार मिलने के बाद श्री त्रिदंडी, श्री मन्नारायण रामानुज, श्री चिन्ना जीआर स्वामी से बात की टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता आमोद राय ने। जीआर स्वामी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आपको जय श्री मन्नारायण। ये जो अवार्ड मिला, आपको लगता है कि किस काम के लिए मिला? आपको धर्म के जो आप विकास का काम कर रहे हैं, धर्म को प्रसार का काम कर रहे हैं, उसके लिए मिला है, या आप सामाजिक विकास का काम करते हैं, सामाजिक जोड़ का काम करते हैं, उसके लिए मिला? सामाजिक स्तर पे भी हम काम करते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हम काम करते हैं, सेवा का काम भी हम करते हैं। और जो सही ढंग से सेवा करने वाले कोई महत्व को नहीं चाहते हैं या नाम को भी बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, ऐसा जो जो काम कर रहे थे अपने अपने स्तर पे, चाहे वो गांव में हो या नगरी में हो, ऐसे लोगों को पहचान कर, चुन चुन कर ऐसे लोगों को अवार्ड दिया गया है। ऐसा लगता है जब हम वहाँ पर जाकर देखा। आप जो काम करते हैं, इक्वलिटी पर बहुत फोकस रहता है रामानुजार संप्रदाय का, चार्य संप्रदाय का, और इसमें आप जो आगे बढ़कर काम करते हैं, चुनौतियां बहुत हैं आज के समाज में, कितना टफ काम है ये काम करना? इक्वालिटी के लिए रामानुजाचार्य स्वामी जी ने किए थे, तो हम भी उनकी रास्ते पे छोटे मोटे काम तो करते रहते हैं। हम प्रायः जो महिलाओं की स्वस्थता के लिए और उसमें भी कैंसर अवेयरनेस के लिए, और उसमें भी फोकस्ड एरिया है हमारे कार्यकर्ताओं की, तो सर्विक्स कैंसर के लिए अभी तक करीब 20 लाख महिलाओं के लिए ये कैंसर स्क्रीनिंग का कार्यक्रम हुआ था। तो और गाय की सेवा करते हैं बहुत कुछ, तो वेटरनरी कैंप्स करते हैं, और जो किसान होते हैं उन लोगों को गाय को रखना और भूमि की पोषण के लिए कितना ज़रूरत है इसके बारे में जानकारी देने की सेवा करते हैं, और ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल्स को विद्या शिक्षा प्रदान करने में कुछ काम करते हैं। हनुमान जयंती है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? हम चाहते हैं कि जनता सब मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन उनको अलग करके अपना काम और अपने रोटी पकाने वाले कुछ लोग हैं, वे लोग उस सोच को वो छोड़ना चाहिए। आजकल ऐसे लोग आकर समाज को तोड़ने के लिए जो चेष्टा कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है। चाहे हम किसी जाति का हो या किसी रिलीजन का हो या किसी पार्टी का हो, जब चुनाव आता है तब पार्टी के नाम से लड़ना है तो लड़ते रहेंगे, लेकिन बाद में समाज को आगे ले जाने में और दुनिया में अपनी मान्यता को, अपना देश का महत्व को हम ऊपर रखने के लिए सब मिलकर प्रयास करेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।